हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभी और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको टैली प्राइम में स्टॉक ग्रुप क्रिएशन बताऊंगा कि स्टॉक ग्रुप कैसे तैयार किया जाता है। फर्स्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको इसका इंट्रो बताया था, उसमें मैंने आपको कंपनी क्रिएशन के बारे में बताया था कि इसके अंदर कंपनी क्रिएट कैसे की जाती है। तो आज इसके अंदर मैं आपको स्टॉक इनपुट करना बताऊंगा कि स्टॉक कैसे डाला जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक लिस्ट बनाई हुई है, देखो यहाँ पर स्टॉक ग्रुप है, आइटम्स है, कैटेगरी वगैरह है। तो इस तरह से अगर आप कोई भी आइटम्स इनपुट करना चाहते हैं तो वो किस तरह से होती है, जैसे जींस है तो उसका ग्रुप जो है वो पैंट है, गोडाउन है, तो ये सब कुछ कैसे होता है। तो जब आप टेलीप्राइम के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर आपको क्रिएट देखने को मिलता है। देखो आप क्रिएट पर जब एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखो आपका इन्वेंट्री मास्टर होता है, आपको स्टॉक ग्रुप कैसे डलता है, कैटेगरी क्या है, स्टॉक आइटम क्या है, यूनिट्स क्या है, गोडाउन क्या है, तो ये किस तरह से इनपुट किए जाते हैं, तो आज इस वीडियो के अंदर मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। यहां पर मैं अभी गारमेंट्स के नाम से एक कंपनी क्रिएट कर लेता हूं, एड्रेस बिलासपुर का, हरियाणा, बाकी डिटेल मैं इनपुट नहीं कर रहा हूं। ये सब अभी मैं नॉर्मली लेके चल रहा हूं क्योंकि ये सब मैंने आपको पहली वीडियो के अंदर मैंने क्लियर किया था। तो हमारी कंपनी क्रिएट हो चुकी है, अब क्रिएट के अंदर आपको जाना है। तो यहाँ पर स्टॉक ग्रुप, कैटेगरी, आइटम्स, यूनिट और गोडाउन होता है। तो सबसे पहले हम गोडाउन को लेके चलेंगे। यहाँ पर कई बार क्या होता है, गोडाउन की जगह पर लोकेशन होता है, लोकेशन गोडाउन सेम ही होते हैं। तो आप गोडाउन के अंदर जाएं और यहाँ पर आपने क्रिएट करना है। एल्टर एक्सटिंग का दो ऑप्शन आपके पास मिले, अगर ऑलरेडी पहले ही कोई गोडाउन क्रिएट हुआ है तो आप उसको एल्टर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज क्रिएट करें। यहाँ पर मैंने बिलासपुर का एड्रेस डाल दिया क्योंकि हमारी जो लिस्ट है उसमें मैंने गोडाउन में बिलासपुर लिया हुआ है, तो यहाँ मैं बिलासपुर लूँगा। और ये प्राइमरी में रहता है, मेन लोकेशन नहीं लेंगे, प्राइमरी में ले लें, यस। उसके बाद एस्केप करें। यूनिट ऑफ मेजर, हमारी जो यूनिट है वो पीसेस के अंदर है, तो हमें यहाँ भी पीसेस डालना है। और यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना पड़ता है, पीसीएस लिखें और यहाँ से आप ये पीसेस वाला सेलेक्ट करके एंटर टू एक्सेप्ट करें। उसके बाद एस्केप, दो बार एस्केप करें। उसके बाद मैं स्टॉक ग्रुप ले लेता हूँ। स्टॉक ग्रुप में मैंने क्या लिया हुआ, देखो ग्रुप में मैंने पैंट्स और शर्ट्स लिखी हुई है, यानी जींस जो है वो पैंट्स ग्रुप में अंदर जाएगी, नैरो जो है वो पैंट में जाएगी और फॉर्मल शर्ट जो है वो शर्ट्स ग्रुप में डालेंगे। मैंने अभी कैटेगरी का यूज़ नहीं किया तो पहले ये कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने पैंट्स ले लिया प्राइमरी, यस, और एंटर टू एक्सेप्ट। एक मैंने शर्ट्स डाल दिया यहाँ पर, ये भी प्राइमरी रहेगा ऐसे। उसके बाद एस्केप से वापस। अब हम लास्ट में सबसे आखिरी में हम आइटम डालेंगे, जैसे हमारा जींस था, फॉर एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ, जींस है, पैंट्स के अंदर जाएगा बिलासपुर में, तो जींस, यहाँ पर आपको पैंट सेलेक्ट करना है और पीसेस लेना है। ये अभी नॉर्मल ले लेते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको क्लियर करूँगा। अब ये ओपनिंग बैलेंस होता है हमारा, ओपनिंग बैलेंस मीन्स क्या होता है, जैसे हमारे पास यहाँ ऑलरेडी स्टॉक पड़ा है, देखो यहाँ पर हमारे स्टॉक जो है क्वांटिटी 10 पीस ऑलरेडी हमारे पास है, यानी जो मटेरियल ऑलरेडी पड़ा है पिछले साल का बचा हुआ आप इसे मान सकते हैं, अगर वो है तो आप यहाँ पर इनपुट करेंगे, अदरवाइज परचेज करना है तो वो परचेज की एंट्रीज मैं आपको अगेन अगली वीडियो में क्लियर करूँगा। यहाँ पर आप लोकेशन बिलासपुर लें और यहाँ पर रेट जो भी मैंने इनपुट किया है 500, तो आप यहाँ पर 500 पर पीस यहाँ पर इनपुट करें और एंटर टू एक्सेप्ट कराएं। यहाँ पर नैरो, ये भी हमारा पैंट में जाएगा, पीस पैंट मैंने कितने लिए, 15, बिलासपुर लोकेशन, 480 रुपये, एक्सेप्ट कराया। अब मैंने फॉर्मल शर्ट लिया, शर्ट, ये शर्ट्स मिलेंगे पीस, फॉर्मल शर्ट 5 हैं बिलासपुर, रेट 450 रुपये, और एक्सेप्ट कराएं। अब आप इसे चेक करें, एस्केप से वापस, एस्केप से वापस आकर आप गेटवे ऑफ टैली के अंदर आए और यहाँ पर स्टॉक ग्रुप होता, स्टॉक समरी होती है आपकी, यहाँ पर स्टॉक समरी पे एंटर प्रेस करें।
देखो आपकी पैंट्स और शर्ट्स यहाँ पर आ जाती हैं। पैंट में क्या क्या है आपके पास? जीन्स और नैरो है। कितनी उनकी क्वांटिटी है, रेट क्या है, टोटल वैल्यू कितनी है? उसके बाद शर्ट्स में जाएंगे तो आपको फॉर्मल शर्ट आपको यहाँ पर अलग से मिल जाएगी। तो इस तरह से आप ये अपना स्टॉक जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। इसी को हम मल्टीपल में भी बना सकते हैं। मल्टीपल में जो क्रिएट करने का प्रोसीजर है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का जो लिंक है वो टाइम टू टाइम मिलता रहे। अगर आप गोडाउन चेक करना चाहें तो आप एंटर प्रेस करें यहाँ पर और यहाँ से इस पॉइंट पर क्लिक करके डिटेल पर क्लिक करें तो आपको गोडाउन भी यहाँ पर शो हो जाता है कि किस गोडाउन में आपका मटेरियल पड़ा है। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। थैंक यू।